राशन रोडवेज रिटायरमेंट कर्मचारियों की मासिक बैठक बस स्टैंड स्थित एटक कार्यालय में हुई। बैठक में कर्मचारियों की समस्याओं पर चर्चा कर निवारण किया जाता है। वहीं पेंशन संबंधी बकाया राशि सहित अन्य समस्याओं को जल्द निपटाने का काम भी किया जाता है। कर्मचारी नेता हरिओम चुग ने बताया कि यह बैठक हर माह आयोजित की जाती है, जिसमें रोडवेज रिटायरमेंट कर्मचारियों की समस्याओं को सुना जाता है और समस्याओं का निस्तारण भी किया जाता है। साथ ही किसी भी प्रकार की पेंशन संबंधित बकाया भुगतान आदि और भी कई तरह की समस्याएं होती हैं, जिन्हें शीघ्र निपटाने का काम किया। आज राजस्थान रोडवेज के रिटायर्ड कर्मचारियों की मीटिंग हो रही है। राजस्थान अपनी एक एसोसिएशन बनी हुई है, RSRTC रिटायर्ड एम्प्लॉयज एसोसिएशन, उसके तत्वाधान में मीटिंग है ये। इस मीटिंग में आज कुछ एजेंडेज हैं, विशेषकर 9 तारीख से 13 तारीख तक धरने लगा रहे हैं हम, जिसमें रोडवेज कर्मचारियों की समस्याओं के संबंध में, और विशेषकर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो नया MBA एक्ट ला रही है, जिसमें रोडवेज कर्मचारियों को बहुत भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और न सिर्फ रोडवेज में ही, ड्राइवर्स के लिए तो स्थिति ये हो जाएगी, चाहे वो टैक्सी चलाने वाला है, चाहे टेम्पो चलाने वाला है, ट्रक चलाने वाला है, हर एक ड्राइवर्स की परेशानी हो जाएगी। और स्थितियाँ ये पैदा होने वाली हैं उस एक्ट के तहत कि भविष्य में कल बस के ऊपर कोई कंडक्टर नहीं होगा, उस हालत में कई नई नई समस्याएं पैदा हो जाएंगी। तो इस एजेंडे पर यहाँ पर बात की जाएगी। दूसरा, पेंशन की स्थिति है, EPF की पेंशन है, उसके बारे में यहाँ चर्चा की जाएगी। जो हमने हाई कोर्ट में केस किया है उसके संबंध में साथियों को बताएंगे क्या स्थिति चल रही है, और दूसरे मुद्दों पर यहाँ पर बैठकर चर्चा करेंगे।